हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले रीजनिंग के टॉप 300 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे सीरीज के वो सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके, और प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की वीडियो, मैथ की वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। देखिए, अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो तीन टाइप की सीरीज आपकी होती है, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और आपकी मिक्स सीरीज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए, अगर न्यूमेरिकल सीरीज की मैं बात करूँ, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला इंक्रीजिंग सीरीज, देखिए जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये इंक्रीजिंग सीरीज का ही है, यानी कि जब सीरीज छोटे नंबर से स्टार्ट होती है और बड़े नंबर की ओर बढ़ती है उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सीरीज। एक डिक्रीजिंग होती है जो बड़े नंबर से स्टार्ट होती है और छोटे नंबर की ओर बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग सीरीज। और जो एक होती है सीरीज आपकी, आपने देखी होगी, एक बार बढ़ती है, एक बार घटती है, एक बार बढ़ती है, उसको बोलते हैं मिक्स सीरीज, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों उसमें चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंक्रीजिंग सीरीज के बारे में, तो इंक्रीजिंग आपकी कैसे कैसे हो सकती है, या तो उसमें कुछ प्लस चलेगा सीरीज में, या तो प्लस चलेगा, या मल्टीप्लाई चलेगी, या स्क्वायर या क्यूब चलेगा, या फिर किसी भी इन दो का कॉम्बिनेशन बनके भी चल सकता है, यानी कि प्लस भी और मल्टीप्लाई भी, स्क्वायर भी और क्यूब भी, इस तरीके से भी चल सकता है। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक स्टेप चलता रहूँगा और एक एक टाइप का क्वेश्चन कराता रहूँगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग सीरीज का, तो सबसे पहले जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें यही देखना है कि सीरीज किस टाइप की है, सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, ये आपको सबसे मतलब ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो सीरीज इंक्रीज हो रही है, फिर दूसरा स्टेप होना चाहिए कि कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है। अगर बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से इंक्रीज हो रही है आपकी सीरीज, तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि उसमें मल्टीप्लाई चल रही होगी, यानी कि किसी भी नंबर की या फिर एक दूसरे के नंबर की मल्टीप्लाई बन करके सीरीज को बढ़ाया जा रहा होगा, या फिर उसमें क्यूब चल रहा होगा या फिर स्क्वायर चल रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ ये सीरीज बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस वन का नज़र आ रहा है, यहाँ पे टू का आ रहा है, यहाँ पे थ्री का आ रहा है, यहाँ पे फोर का आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट कितने का डिफरेंस होना चाहिए, फाइव का, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको यहाँ पे प्लस वन क्या, यहाँ पे प्लस टू क्या, यहाँ पे प्लस थ्री क्या, यहाँ पे प्लस फोर क्या, नेक्स्ट प्लस फाइव करेंगे, और फाइव प्लस करने के बाद क्या मिलेगा, 22, यानी कि 17 में प्लस फाइव कर देंगे तो 22, तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको कर लिया होगा। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर टू है डिक्रीजिंग सीरीज का क्वेश्चन। अब इसमें आपको दिख रहा है कि 48 से स्टार्ट हुआ 33 तक चला गया, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप कि क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पता चलेगा डिक्रीज है। अब ये आपको देखना है कि कितने से डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंस चेक करिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 का, नेक्स्ट मैंने चेक किया 4 का, नेक्स्ट मैंने चेक किया 2 का, मैंने नेक्स्ट चेक किया 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो पहला डिफरेंस आया है उसका हाफ कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे मतलब हाफ ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, तो 33 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 32.5, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया ना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंक्रीजिंग सीरीज का क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 से स्टार्ट हुआ और 240 तक पहुँच गया, इसका मतलब सीरीज बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। मैंने क्या बताया था, जब सीरीज बहुत जल्दी इंक्रीज होती है तो या तो उसमें मल्टीप्लाई चलेगा या फिर उसमें स्क्वायर या क्यूब चलेगा। अगर स्क्वायर और क्यूब चलेगा वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर एकदम सामने समझ में आता है कि हाँ ये किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी मेरे को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 में 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएगा,
और 10 में मैं मल्टीप्लाई 4 की करूँ तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 120 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई गई 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, तो नेक्स्ट किसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए 1 की, तो 240 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 ही रहेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपने देखा सीरीज इंक्रीज हो रही थी और लास्ट में जाके स्टॉप हो गई इंक्रीज होना, इसका मतलब चल तो इसमें मल्टीप्लाई रही थी क्योंकि सीरीज बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंक्रीजिंग सीरीज ही आपको दिख रही है इसमें, 3 से 99 हो गया। अब इसमें क्या चल रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के देखें इसे क्वेश्चन को, आप बहुत ही इजीली और आसानी से कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर सीरीज चल रही है जिसमें स्क्वायर भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज में अगर मैं देखूँ ये 4 4-1 दिख रहा है मेरे को, यानी कि 2 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ 4, यानी कि 4-1, यहाँ पे नेक्स्ट होगा आपका 4 का स्क्वायर -1, यानी कि 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -1 करेंगे 50। यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का हो गया, नेक्स्ट 6 का होगा, एक एक छोड़ के चल रहा है, ठीक है। 6 के बाद 7 को छोड़ के 8 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और -1 35। फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 64 -1 तो 63। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आपका 100, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 99। नेक्स्ट आपका 12 का स्क्वायर 144 और -1 करेंगे तो यहाँ पे 143 आ जाएगा। तो इस टाइप की सीरीज भी देखने को मिलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, देखिए इस सीरीज में क्या चला है, इंक्रीजिंग सीरीज थी, इसमें स्क्वायर और -1 चला है। अब यही सीरीज कम से कम भी 10 से 15 टाइप बन सकती है, यानी कि इसमें स्क्वायर -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। एक आइडिया मैंने दे दिया कि स्क्वायर और -1 चल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी सीरीज है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको इंक्रीजिंग सीरीज ही दिख रही है। जब भी सीरीज इंक्रीज होगी तो क्या करना है आपको, ये देखना है कि सीरीज इंक्रीज कितने से हो रही है, डिफरेंस क्या है, और फिर उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे 15 लिखा है, ये इसका डबल +1 हो जाएगा, यानी कि 7 × 2 = 14 + 1, तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की और +1 कर दिया गया। फिर बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट चल रहा है मल्टीप्लाई 2 + 2 चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 + 3 चल रहा है, भाई 32 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे प्लस 3 करेंगे 67 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 + आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 + हुआ, फिर 2 + हुआ, फिर 3, नेक्स्ट आपका 4 + होगा, यानी कि 67 मल्टीप्लाई 2 + 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 138। तो यहाँ पे 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। आप नेक्स्ट ट्राई भी कर सकते हैं, 138 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 करके तो कितना आ जाएगा आपका 281 ही आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 67 मल्टीप्लाई 2 + 4, तो यहाँ पे 7 × 2 + 1, 15 × 2 + 2, 32 × 2 + 3, 67 × 2 + 4 और 138 × 2 + 5, इस तरीके से आपका ये सीरीज चल रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आता जा रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ताकि जब मैं कमेंट पढ़ूँ या लाइक देखूँ तो मुझे पता चले कि हाँ आपको पूरी वीडियो क्लियर हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये मिक्स है दोनों इंक्रीज और डिक्रीज का। देखिए एक बार डिक्रीज होता है, एक बार इंक्रीज होती है सीरीज, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो इसमें क्या चल रहा होगा, जब भी इस तरीके की आपको सीरीज दिखे वो डायरेक्ट सीरीज नहीं होती है, इसमें आपका एक को छोड़ के या फिर दो को छोड़ के सीरीज चलती है। यानी कि देखिए 3 और 1 = 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, यानी कि +1 चल रहा है। फिर 2 को छोड़ देंगे +5, यानी कि 1 + हो जाएगा। फिर +1 करके 6, यानी कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये तो इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर यहाँ पे 2 नंबर पूछ जाते तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका कितना हो जाता, 7 हो जाता, बट वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो नेक्स्ट आएगा, वो नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 से 2 + 1, 2 से 4 + 2, 4 से नेक्स्ट आप कितने प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 + होगा,
पहले 1+ हुआ, फिर 2 और फिर 3+ होगा तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ये सीरीज चल रही है, इस टाइप की बहुत सारी सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें आपकी मिक्स सीरीज होती है, जिसमें इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, और भी कराते हैं चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी भाई इंक्रीजिंग सीरीज है आपकी, और इसमें अगर मैं देखूं 37, 61, 91, 127, 217, तो इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो इतनी फास्ट भी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस चल रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई भी हो सकती है। इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा थोड़ा अच्छी तरीके से। देखिए अगर मैं देखूँ 37, 61, 91, 127, 169, तो 217 ये कोई जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज जल्दी वो होता है 2 से 217 तक पहुंच जाता है, इसको हम जल्दी बोलते हैं, पर 37 से स्टार्ट हो गया 217 तक गया, ये जल्दी इंक्रीज नहीं है। अब इनके बीच का हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस 24, 30 डिफरेंस आया, 36 आया, 42 आया, 48 आया, इसका मतलब ये तो आपको निकालना है, तो डिफरेंस आपका सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उस डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करिए, जो डिफरेंस आपने निकाला उसका भी डिफरेंस चेक करिए, तो 6 डिफरेंस आया, 6 डिफरेंस आया, इसका मतलब अब सीरीज आपको पता चल गई किस टाइप की सीरीज है। ये देखिए डबल डिफरेंस, कभी कभी तीसरी बार भी डिफरेंस चेक करना पड़ जाता है, यानी कि जो डिफरेंस पहली बार आया उसका डिफरेंस चेक किया, और फिर उसका डिफरेंस भी चेक करने के बाद में आपको पता चलता है कि क्या एक्चुअल में सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हमें दूसरी बार में पता चल गया कि डिफरेंस 6 चल रहा है, तो अगर यहाँ पे आपका प्लस 36 है, प्लस 36 में आपने 6 प्लस किया, 42 प्लस करेंगे तो 127 में 42 प्लस होगा तो 169 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 169 आ जाएगा। अब 42 में फिर प्लस 6 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 169 में 48 प्लस करेंगे तो आपका 217 ही बनता है, इसका मतलब राइट आंसर क्या रहेगा, 169। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे 169 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आपको देखे तो 3, 2, 6, 8, 18, 40, यानी कि सीरीज आपकी थोड़ी जल्दी जल्दी इंक्रीज है। ठीक है, अगर आपको इस वाली सीरीज में समझ में नहीं आता है कि क्या इंक्रीज है डिक्रीज है, तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चल रही है, 3 से 2 हुआ, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 40 हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीज नहीं बट इंक्रीजिंग चल रही है, बट पहले एक बार डिक्रीज हुई है, मतलब पूरी इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल सकते, एक बार डिक्रीज हुई है, फिर उसके बाद इंक्रीज ही इंक्रीज हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट सीरीज नहीं चल रही है, अगर एक बार भी डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब डायरेक्ट सीरीज नहीं है, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 6 में देखिए क्या 3 × 2 = 6 हो सकता है, और 3 प्लस करके भी हो सकता है, अगर प्लस चलेगा तो नेक्स्ट में पता चल जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं चल रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18, मल्टीप्लाई 2 की हुई है, मल्टीप्लाई 3 की हुई है, 18 में मल्टीप्लाई नेक्स्ट 4 की करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72, तो यहाँ पे तो आपका 72 आना चाहिए जब जो अभी तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा है। फिर यहाँ पे सीरीज को चेक कर लेते हैं, 2 से 8 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 4 होके, फिर 8 से 40 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 5 होके, 8 × 5 = 40, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई है 5 की हुई है, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे भी कोई नंबर पूछा जाता तो आप 6 की मल्टीप्लाई कर देते, इसका मतलब ये आपका 72 ही राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 की हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 72 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चल रहा है, ये भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सीरीज थोड़ी जल्दी इंक्रीज हो रही है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखें तो ये किसी न किसी नंबर के आपको स्क्वायर भी नज़र आ रहे होंगे। ये किस नंबर का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये किस नंबर का है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये किस नंबर का है, ये 19 का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए स्क्वायर भी करना बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि अगर आपको पता होगा ये 11 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, तो आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप 100% फंस जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे किसका, देखिए अब ये किस नंबर का बताएं नेक्स्ट स्क्वायर, ये कैसे चेक करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस चेक करके। यहाँ पे आपने प्लस 4 किया, 11 में 4 प्लस करेंगे 15, 15 में 4 प्लस करेंगे 19, 19 में 4 प्लस करके आप देखेंगे कौन सा नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 आ गया, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 529, तो 529 इज़ द राइट आंसर।
यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, ये हमें पता चल गया, बट नेक्स्ट कौन सा आएगा ये आप चेक करेंगे इस तरीके से डिफरेंस चेक करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, इसको भी देखिए। अब ये सीरीज बड़ी अजीब आपको दिख रही होगी ना, तो ये इंक्रीजिंग दिख रही है या डिक्रीजिंग, और इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, यानी कि एक बार डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब सारे नंबर सेम दिख रहे हैं, मतलब एक ही रेंज के नंबर हैं, 89, 78, 86, 80, 85, तो इसमें कुछ कॉमन नंबर ही, मतलब छोटा नंबर ही कोई इंक्रीज और डिक्रीज किया जा रहा होगा, यानी कि एक कॉमन नंबर। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक तो मैंने बताया था ना आपको, ये डायरेक्ट सीरीज नहीं बन सकती, एक छोड़ के बनेगी, तो इनके बीच का डिफरेंस चेक करिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। फिर इनके बीच का डिफरेंस, अच्छा इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रोंग है, इसमें सीरीज नहीं बतानी है, इसमें बताना है कौन सा रोंग है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना, 2 डिफरेंस आए, नहीं यहाँ पे भी आपका 681 डिफरेंस आ जाएगा ना, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया आपका, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, -2 का। तो इसका मतलब भाई ये सीरीज आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे -1 का, यहाँ पे -2 का। अब इसको देखिए करेक्ट कैसे करना है हमें। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 87, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा तो 85 हो जाएगा, 87 में से -2 85, फिर -2 कर देंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो संख्या लिखा है 86, इसकी जगह 87 आना चाहिए। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें +2 चल रहा है, 78 +2 तो 80, 80 में +2 तो 82, ठीक है, +2 चल रहा है एक छोड़ करके, ये वाला 78 में +2 तो 80, 80 में +2 तो 82, और इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे 89 -2 तो आपका 87 आना चाहिए था, यहाँ पे 86 लिखा है, इसका मतलब यही रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत वाला क्वेश्चन आ गया। यानी कि इस सीरीज में आपको बताना है कौन सी कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो 86 की जगह 87 आना है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको यही बताना है कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो रहा है, कौन सा एक नंबर वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, यानी कि एक नंबर इसमें गलत है वो आपको निकालना है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 1, 2, 9, 37, 65, 126, 217 आपका दिख रहा है, तो इस नंबर को अगर मैं पहले को कैसे लिख सकता हूँ, पहले को मैं लिखूँगा 0 की क्यूब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे फिर मैं इसको लिखूँगा 1 की क्यूब प्लस 1, ठीक है, 1 की क्यूब किया मैंने और प्लस 1 किया तो आपका 2 हो गया, क्योंकि 1 की क्यूब 1 ही रहेगा और प्लस 1 करूँगा तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब प्लस 1, तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, और यहाँ पे प्लस 1 करेंगे आपका हो जाएगा ये 9। फिर नेक्स्ट हमारा जब यहाँ पे 0 की क्यूब वो किया मैंने, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 की क्यूब किया, तो नेक्स्ट कितने का आना चाहिए, 3 की, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, तो यहाँ पे 28 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 37, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने का हो चुका है 3, यहाँ पे 4 की क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका 164, और प्लस 1 करेंगे तो 165 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 5 की क्यूब, तो 125 प्लस 1 करेंगे तो आपको 126, और इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा 6 की क्यूब, 216 और प्लस 1 तो 217। इसका मतलब ये ही वाला नंबर रॉन्ग है, तो यहाँ पे 37 की जगह आपका 27 आना था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये 12, और इसको आप खुद ट्राई करिए, और इसका जो भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट रहेगा। आई होप कि आप इसको सभी कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी पीडीएफ में नीचे दे दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, कहाँ से, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप टॉपिक स्टडी के साथ जुड़ सकते हैं नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके, घंटी के आइकन को ऑन करके आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सभी अपडेट मिलता रहे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, सौरभ मलिक 17 के सर्च करिए, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।